आप देख रहे हैं KSN 24 न्यूज, पल पल की खबर। नियमों को ताक पर रखकर ढाबा में लोगों को शराब परोसने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बिलासपुर की रतनपुर पुलिस ने दो ढाबा संचालकों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने करीब 19 लीटर अवैध शराब को जब्त किया है। पुलिस को पिछले लंबे समय से ढाबा में शराब की अवैध रूप से बिक्री करने की शिकायत मिल रही थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई है। नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ बिलासपुर में पुलिस की कार्रवाई जारी है। SP के निर्देश पर अवैध रूप से नशा परोसने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। कटघोरा बिलासपुर मार्ग पर संचालित ढाबों में लोगों को खुलेआम शराब परोसे जाने की शिकायत पुलिस को मिली थी। शिकायत के आधार पर रतनपुर पुलिस ने एक टीम बनाई और कई ढाबों में छापा मारा। पुलिस की कार्रवाई में जयकांत पांडे ढाबा और आशीष गहलोत के ढाबा में शराब परोसे जाने की बात सही पाई गई, जिसके बाद पुलिस ने दोनों ही ढाबों के संचालक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके पास से देसी और विदेशी कुल 19 लीटर शराब की जब्ती बनाई है, जिनके खिलाफ आबकारी एक्ट की तहत कार्रवाई की जा रही है। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कल रात को बाईपास के ढाबों में दबिश दी गई और अवैध रूप से लोगों को शराब पिलाने की शिकायत पर गहलोत ढाबे के संचालक आशीष गहलोत को 9 लीटर शराब के साथ में और जयकांत पांडे नामक युवक जो कि पांडे ढाबा का संचालन करता है उसके कब्जे से 9 लीटर कुल 19 लीटर शराब कल जब्त की गई है, और जिसमें देसी, प्लेन, महुआ सभी किस्म की शराब है, और दोनों आरोपियों को 34 के तहत आज न्यायिक रिमांड में कोटा पेश किया जा रहा है। हाईवे पर संचालित ढाबों में अवैध रूप से शराब बेचे जाने का यह कोई पहला मामला नहीं है। पुलिस से सांठगांठ कर ढाबा संचालक पिछले लंबे समय से अवैध कारोबार में लिप्त हैं, जहां लोगों को निर्धारित दर से अधिक कीमत पर शराब आसानी से मुहैया कराया जाता है। बहरहाल पुलिस की इस कार्रवाई के बाद देखना होगा कि नशे के अवैध कारोबार पर कब तक लगाम लग सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट KSN 24।